आपने देखा होगा, मैं पिछले 15 दिनों से होली के कार्यक्रमों को प्रदेश भर में देख रहा था। होली का एक गाना चल रहा था और मैं वर्षों से सुनता रहा उस गाने को, होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले। लेकिन हमें दुख होता था हर वर्ष कि होली खेलने के लिए भगवान राम का आह्वान तो हो रहा है, लेकिन अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर राम है ही नहीं। 500 वर्षों के बाद आपके वोट ने आपकी आस्था को सम्मान दिला दिया अयोध्या में। लेकिन एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया, तो परिणाम क्या है? अब भंडारी नहीं, अब पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर और व्यापारियों के लिए भी लोन के रास्ते खुले हुए हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, यूपी के अंदर अब तक 18 लाख स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना में ऋण की सुविधा उपलब्ध हुई है। 18 लाख लोगों को। बहनों और भाइयों, एक वोट की कीमत आपको समाज को बताना है, इसलिए बताना है, जो चर्चा है एक तरफ जिसके बारे में भी डॉक्टर संजीव बालियान ने भी चर्चा की है, एक तरफ फैमिली फर्स्ट है और दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट है। मोदी जी के नेतृत्व में नेशन फर्स्ट की बात होती है, देश पहले, और इंडी गठबंधन के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए परिवार पहले है। वे जातिवाद की बात करते हैं और मोदी जी गरीब कल्याण की बात करते हैं। वे पुष्टिकरण की बात करते हैं, मोदी जी कहते नहीं, हमें संतुष्टि पे ध्यान देना होगा, सबका साथ सबका विकास, यही अंतर है। जो मोदी जी को अन्य नेताओं की तुलना में अलग पहचान दिलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को एक अलग पहचान दिलाते हैं, और उसी पहचान को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको जाना है, जिसके लिए हम लोग आए हैं कि आपके पास मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी, मोदी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मोदी की गारंटी का मतलब 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए छत पीएम आवास योजना का लाभ, 12 करोड़ गरीबों को, गरीब परिवारों को, यानी 60 लाख परिवारों को, 60 करोड़ परिवार, 60 लाख लोगों को, 60 करोड़ परिवार लोगों को, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 2.5 करोड़ परिवारों को उनके घर के अंदर उजियारा, 10 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन, मोदी की गारंटी का मतलब हर बेटी हर व्यापारी को सुरक्षा। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले हम आते थे, मुझे याद है कपिल देव अग्रवाल जी की सभा में ही मैं आया था 16 में, और मैं आया था उस समय चुनाव प्रचार के लिए उनके लिए। क्या स्थिति थी उस समय, क्या तनाव का माहौल था। मैंने कभी ये तनाव के माहौल में आप लोग रहते हैं, इस तनाव से मुक्त तो करिए, और मैं धन्यवाद दूंगा कि मुजफ्फरपुर नगर वासियों को उन्होंने उस आह्वान के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में मदद की, अपना आशीर्वाद दिया। 2014, 2017, 2019
2022 ये लगातार आपका आशीर्वाद मिला तो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में ही सरधना में ही प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रहा है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है। अब किसी बेटी पारुल चौधरी को अपनी प्रैक्टिस के लिए दुनिया के अंदर नहीं बल्कि इसी लोकसभा सीट में उनको अपनी प्रैक्टिस करने का एक अवसर प्राप्त होगा, एक मंच प्राप्त होगा और फिर मुजफ्फरनगर की बेटी भी अब जब किसी इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा में, किसी एशियाड में, किसी कॉमनवेल्थ गेम्स में, किसी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेगी तो डायरेक्ट तस्तरी में परोस करके डिप्टी एसपी का पद उनके सामने रहेगा। दिया ना डिप्टी एसपी की सीधी नौकरी हमने दी ना, उस बेटी ने घोषणा कहां की थी, चीन में। उसे पूछा गया कि चीन का खिलाड़ी तो तुमसे आगे चल रहा था तुम कैसे, उसने कहा जैसे वो आगे चल रही थी तो मैंने कहा डिप्टी एसपी का पद छूट जाएगा तो मैंने उसके मारी अपनी पूरी ताकत और उसको पछाड़ करके भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। अब होनहार खिलाड़ियों की जगह बनेगी मुजफ्फरनगर लोकसभा से, पहले से है लेकिन उसको और एक नया स्वरूप, नए कलेवर के साथ, पूरी भव्यता के साथ, एक इंटरनेशनल खेल के हम यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहां बनाने जा रहे हैं। आज आपने देखा होगा डेवलपमेंट के कितने कार्य हुए और डेवलपमेंट तब सार्थक है जब सुरक्षा हो, सुरक्षा के मोर्चे पर कोई कोताही नहीं, कोई कोताही नहीं। बेटी और व्यापारी की, अन्नदाता किसान की सुरक्षा में जो सेंध लगाएगा तो फिर वह भी देख रहा होगा कि उसको भी 10 बार सोचना पड़ता है कि अगर मैं लगाऊंगा तो फिर इसका परिणाम क्या होगा। देखो भाइयों, जो वर्षों से मांग थी आगे कि निजी ट्यूबवेल ऑपरेटर को भी, उस अन्नदाता किसान को भी फ्री बिजली मिले, यद्यपि प्रदेश में बहुत मोड़ आ रहा था, हमने कहा भी नहीं अन्नदाता किसान के लिए करेंगे और 2600 करोड़ रुपए इसी साल अपने बजट में अपने लिए किए हैं, इसके लिए किए हैं जिससे उस पैसे को हम सरकार से लेंगे और उनको फ्री में पानी बिजली उपलब्ध करवाएंगे, सोलर पैनल भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, बेहतर कनेक्टिविटी की जा रही है, सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है। और इसीलिए मोदी जी के आने के बाद पूरे देश के अंदर हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, एक नया भारत। इस नए भारत के बारे में दुनिया के मन में सम्मान का भाव जगा है। आज भारत के पासपोर्ट की कीमत दुनिया के अंदर बढ़ी है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, देश के अंदर नए नए संस्थान स्थापित हो रहे हैं, भारत एक सही दिशा में आगे बढ़ चुका है, एक नया भारत जिसमें सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, जिस नए भारत में आजीविका भी है तो आस्था भी है। आप सोचो क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये सपा बसपा और कांग्रेस के लोग करा पाते क्या? आप में से कितने लोग अयोध्या गए दर्शन करने के लिए? पूरा मुजफ्फरनगर ही जा चुका है। आप मुझे बताइए अब तो नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं ना, अब तो अयोध्या अच्छी लग रही है ना। आप सोचो पिछले 2 महीने के अंदर अयोध्या में 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है और देश के अंदर से अलग अलग यानी इतनी बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं और सुगमता से दर्शन हो रहे हैं। सड़कें वहां चौड़ी हो गई, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, रामलला विराजमान हो गए, ये तो सब सपना था। आपके पूर्वजों ने इस धरोहर को बचाए रखने के लिए अपने संबोधन के साथ ही राम राम जोड़ दिया था। यहां मैं देखता हूं पश्चिम में कोई किसान मिलता है, कोई परिवार आपस में मिलते हैं, संबोधन में क्या बोलते हैं? राम राम बोलते हैं।
जिससे हम अपनी इस लड़ाई को अनंत काल तक आगे बढ़ा सकें। और आज राम लला स्वयं अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। क्या ये संभव था? क्या ये पिछली सरकारें कर पाती? क्या उन्होंने कर्फ्यू दिया, उन्होंने अराजकता दी, उन्होंने आस्था के साथ खिलवाड़ किया, उन्होंने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगवाई। लेकिन आज एक नए माहौल में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना है, क्योंकि मोदी जी भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में काम कर रहे हैं। अगले तीन वर्ष के अंदर भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है तो मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना होगा। और मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना है तो हमारे प्रबुद्ध जनों को, जो नेतृत्व वर्ग है अपने अपने तबके का, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। जिम्मेदारी का निर्वहन इस रूप में कि नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी है, पहले वोट पोल करने के लिए जाना है। आपका तो पहले चरण में चुनाव है, तो आप लोग तो 19 अप्रैल को चुनाव में आपको भाग लेना है। गर्मी हो या बरसात, आंधी हो या तूफान, हमें इसकी परवाह नहीं करना है। अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करना है और मोदी जी को फिर से तीसरी बार कार्यकाल देने के लिए, भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने के लिए, भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए हम भी अपने राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे। और इसके लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल, और मोदी जी को तीसरा कार्यकाल तब मिलेगा जब डॉक्टर संजीव बालियान जी यहां से भारी मतों से चुनाव नहीं लड़ा करके जाओगे। और आप चिंता मत करिए, मोदी जी का संकल्प है, मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए उत्तर प्रदेश विकसित होगा, और उत्तर प्रदेश को अगर विकसित करना है तो मुजफ्फरनगर तो विकसित होगा ही होगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। विकास और सुरक्षा ये सब हमारी जिम्मेदारी है। आपके जनप्रतिनिधिगण, दो दो तो मंत्री आपके जिले से हैं वर्तमान में, तो ये मंत्री हैं, हमारे विधायकगण हैं, हमारे अन्य पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, अन्य जनप्रतिनिधिगण, दो दो तो मंत्री आपके जिले से हैं वर्तमान में, तो ये मंत्री हैं, हमारे विधायकगण हैं, हमारे अन्य पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, अन्य महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग हैं, सभी लोग मिलकर के विकास की प्रक्रिया को आगे जोड़ेंगे। मैं आप सबसे यही आह्वान करने के लिए आज आपके बीच में आया हूं कि फिर से जो देश के अंदर आवाज आ रही है कि फिर एक बार मुजफ्फरनगर की आवाज में बोले थोड़ा, फिर एक बार अब की बार। सभी लोग सहमत हैं ना? तो तेरे साथ बोलेंगे भारत माता की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुजफ्फर